हे पीपल व्हाट्सअप, दिस इज प्रतीक। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी 2020 का अप्रैल चल रहा है, अगर आपको आईफोन खरीदना है इस साल तो कौन सा आईफोन कितने में मिलेगा, कितने में खरीदना चाहिए आपको। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि कल को डेट में आपको आईफोन नहीं खरीदना है। आप सोच लो कि मुझे आईफोन खरीदना है 3 महीने बाद, मतलब सेप्टेम्बर के बाद ही खरीदना है आपको, मीन्स के आईफोन 12 के लॉन्च होने के बाद। तो पहले तो सेगमेंट समझ लो कि कौन कौन सा आईफोन का सेगमेंट है। आईफोन 7 हो गया, आईफोन 8 हो गया, SE 2 हो गया, 10R हो गया, 10S हो गया। ये जो आईफोन का रेंज हो गया, ये हो गया आपका 20-25 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार के रेंज में ये आईफोन आ गया। अब इस रेंज के अंदर आपके लिए बेस्ट आईफोन कौन होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सोच लिया कि 25 हज़ार तक ही फ़ोन लेना है, आप उससे 1 रुपया आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ टाइम और रुक जाओ, आपको 20 हज़ार से कम में ही आईफोन 7 मिल जाएगा सेप्टेम्बर के बाद, डेफिनेटली 32 GB। और मैं उससे भी ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि आईफोन 7 तो खरीदो ही मत, किसी काम का नहीं होगा वो सितंबर के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें 32 GB मिलेगा, एक साल के अंदर आप उसको आपके लिए वो यूजलेस हो जाएगा, सिर्फ कॉलिंग नॉर्मल से काम आएगा। ठीक है, जस्ट सजेशन है, आप चाहो तो खरीद सकते हो। अब इसके ऊपर आते हैं आईफोन 8 आपको मिलेगा 25 हज़ार के आसपास अपकमिंग टाइम में डिस्काउंट में। तो 25 हज़ार में, लेकिन आईफोन 8 में एक फ़ायदा क्या होगा, 64 GB मिलेगा। तो आप आईफोन 8 25 हज़ार में आप जा सकते हो सितंबर के बाद। इस टाइम क्या होगा कि आईफोन 10R का दाम भी नीचे आएगा, मतलब अब आईफोन 10R का दाम आ जाएगा आपको 30 हज़ार के आसपास डिस्काउंट में, इजीली आपको मिलेगा 30-32 हज़ार के आसपास। अब 30 हज़ार के आसपास आप सोचोगे लेने का, तो अब थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाएगा आपको कि आईफोन 8 खरीदो या 10R खरीदो। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आंख बंद करके आईफोन 10R खरीद लो 30,000, 32,000 या 33 में, जो भी मिले डिस्काउंट के अंदर। बिग बिलियन डे में तो गारंटी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अब आप ये सोचो कि SE 2 का क्या होगा, क्योंकि वो भी इसी रेंज में आ रहा है। SE 2 भी आपको मिलेगा 35 के आसपास, 35 से 40 के बीच में मिलेगा। लेकिन डाउन द लाइन की क्या खरीदना चाहिए, अगर आप छोटा फ़ोन चाहते हो तो ही खरीदना, अगर आपको छोटा फ़ोन नहीं चाहिए तो एकदम ही मत खरीदना, गो विथ आईफोन 10R, ओके। क्योंकि वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाएगा आपके लिए अक्टूबर नवंबर में 2020 में। तो अब आप उसको अभी से ही ट्रैक कर सकते हो, अब विशलिस्ट में डाल के देखो कि क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर आप 40 के ऊपर जाना चाहते हो, गो फॉर आईफोन 10S, वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है, उसका कोई ये नहीं है, एकदम बेस्ट फ़ोन है आईफोन 10S इस रेंज में। क्योंकि 50 का तो अभी ही मिल जाता है इजीली, जस्ट आपको ट्रैक करना है। 55 में तो एनी टाइम अवेलेबल, डिस्काउंट चाहते हो 50 के लगाना तो वो इजीली मिल जाता है आपको। तो 25 से 50 हज़ार के बीच में यही सारे फ़ोन आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा आईफोन लेना है, कौन सा आप सोचते हो कि बेटर फ़ोन है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा कि हाँ चाहिए, ये बेटर है कि नहीं है, किस हिसाब से सोचो ये भी बताना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने बताया डिस्काउंट आपको गारंटी मिलेगा सब अक्टूबर के आसपास, जैसे ही आईफोन 12 लॉन्च होगा गारंटी आपको डिस्काउंट मिलेगा, ओके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।